क्या है बे? देखो दीदी कितनी होशियार है, उसको मालूम है कि हम लोगों को कितनी इज्जत देनी है। सही बोली। पप्पन मारना छोड़ो और बताओ आप क्या प्रॉब्लम है। देखो ना दीदी, पप्पन ने दाल इतनी सस्ती कर दी, फिर भी विरोधी लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं। कुछ उपाय बताओ ना। अरे मेरे झांसा राम के चेलो, क्या तुम लोगों को बाबा दिख रहे जो हर बात का उपाय बताओ? आप तो समझदार है ना, हम लोगों को बताओ ना हम क्या करें। बताओ चिल्लू बत्तूत्र में डूब मरो। दीदी अच्छा ये बताओ, दाल खरीद तो लोगे, पकाओगे कैसे? गैस तो रिकॉर्ड तोड़ महंगी है। हाँ कच्ची दाल पी लेंगे और क्या? और क्या, देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते, पीनी तो दाल ही है, कच्ची हो या पक्की। और भाई गोवर तू भी कुछ बोल दे। हम क्या बोले, ठीक ही तो बोल रहे हैं लोग। डीजल महंगा होने से सब सामान महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगी तो ऑफिस जाना महंगा, गैस महंगी तो रसोई का बजट बिगड़ जाता है, राशन महंगी, तेल महंगा, सब्जी महंगी, बस दाल सस्ती हो गई तो क्या महंगाई नहीं मानोगे? कैसे माने, मैसेज आया है कि दाल सस्ती है, बाकी सब के बारे में ना ही ना लिखा है। अबे अपनी माँ की शादी में भी मैसेज देकर गया था क्या? वो तो नहीं पता है, माँ से पूछना पड़ेगा ना। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, जाओ फोन पर मैसेज खेलो और धर्म बचाओ, भाग यहाँ से। अबे भागते हो कि मोबाइल छीनो तुम लोग? हमें नजरें मिलाने का शौक न था, तुम्हें देखा तो आदत खराब।